Assalamu alaikum and welcome to the new video of Awan Explain YouTube channel. और इस आज की छोटी सी वीडियो में हम बात करेंगे वायरस और मालवेयर के बीच में बड़े डिफरेंस के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं. तो देखिए, वायरस जो है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है और मालवेयर जो है वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन डिफरेंस जो है इन दोनों के काम करने के बीच में है. तो देखिए, वायरस जो है उसे ह्यूमन ऑपरेशन की जरूरत होती है रन होने में, जबकि मालवेयर तो नहीं होती. अब इसका क्या मतलब है ह्यूमन ऑपरेशन, आइए जानते हैं. तो देखिए, जब भी आपके सिस्टम में वायरस आते हैं, मिसाल तौर पर आपने कोई गेम डाउनलोड की इंटरनेट से, तो उसके साथ में वायरस आ गया. अब वो वायरस आपके सिस्टम में उस वक्त तक यूँ ही पड़ा रहता, रन नहीं होता जब तक आप उसे ओपन नहीं करते, जबकि मालवेयर में ऐसा नहीं होता. अगर आपके सिस्टम में एक दफ़ा मालवेयर इसी तरह आ गया तो वो अपने आप रन हो जाएगा और आपका सिस्टम हैक हो जाएगा. तो ये बस छोटी सी वीडियो है थी वायरस और मालवेयर के बीच में डिफरेंस दी. उम्मीद रखो आपको वीडियो पसंद हुई होगी. तो बस आज से इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल तो लाजमी कीजिएगा. और मैं आपसे मिलूँगा अगली नई और एक्साइटिंग वीडियो में. तब तक गुड बाय.